मुजफ्फरनगर में चल रही किसान महापंचायत को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया इन्होंने दिया है बड़ा बयान। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, किसान चाहे वो दिल्ली राजधानी के दरवाजे पर खड़े हों या फिर देश के अन्य कोनों पर खड़े हों, आपको मालूम है लगभग एक वर्ष हो चुका है, 600 से अधिक किसान मर चुके हैं अपने इस विरोध प्रदर्शन के अंदर। साथ ही साथ तमाम लाखों लाख किसान कर्ज में डूबा हुआ है, परेशान है, हताश है और निराश है, इसलिए वो अपनी मांगों को रख रहे हैं। सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करके उनकी मांगों को मान जाना चाहिए था। 3 काले कानून वो कह रहे हैं वापस ले लिए जाए, तो उनको भी वापस ले लें। और जो अब महापंचायत कर रहे हैं तो ये तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है, शांतिपूर्ण अगर ढंग से कर रहे हैं तो उस लोकतांत्रिक अधिकार को पुलिस के द्वारा दमन करना उचित काम नहीं है। उनकी मांगों को सुनना चाहिए और उनकी मांगों को मानना चाहिए भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश की सरकार को। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।